जो अभिव्यक्ति शेयर की है सोशल मीडिया पर कि ये दोस्ती नहीं हम छोड़ेंगे, हाँ बिल्कुल, कोई आज की है, 35-40 साल पुरानी है। अम्बाला कैंट में आते थे, मेरे घर सोते थे रामलाल जी, हमारे पास इनके साइज की चार पाई नहीं थी, हम दो चार पाइयां जोड़ देते थे, मेरे घर सोते थे आज, तब से है। लोग राजनीतिक चर्चाएं निकालते हैं वो उसका मतलब कि हमारा कोई सामाजिक वो दायित्व नहीं है, हम लोगों से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, क्यों भाई, कौन सी किताब में लिखा है और किसको इतराज है, आए मेरे सामने बताया मेरे को। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है, मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के पूर्व गृह स्वास्थ्य व निकाय मंत्री अनिल विज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। विज साहब स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। विज साहब, जिस प्रकार से आप अभी दिल्ली गुड़गांवा परिक्रमा कर आए, रामविलास शर्मा जी, ओपी धनखड़, इन लोगों से आपकी मुलाकात हुई और आज आपने सोशल मीडिया पर भी ये दोस्ती नहीं हम छोड़ेंगे। देखिए, हमारी जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है उसकी शनिवार को दिल्ली में मीटिंग थी और मैं तो दिल्ली एक साल के बाद गया, बहुत सारे मित्र थे उनको मिलना था, फिर मुझे गुड़गांव में भी काम था, तो जब मैं गया वहाँ पर तो रामबिलास जी से भी मिला और ओम प्रकाश धनखड़ से भी मिला, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अब उनसे मिलना तो कोई अपराध नहीं है, मित्र हैं अपने, मिलेंगे और मिलते रहेंगे। लेकिन आज आपने जो अभिव्यक्ति शेयर की है सोशल मीडिया पर कि ये दोस्ती नहीं हम छोड़ेंगे, हाँ बिल्कुल, कोई आज की है, 35-40 साल पुरानी है, अम्बाला कैंट में आते थे, मेरे घर सोते थे रामलाल जी, हमारे पास इनके साइज की चार पाई नहीं थी, हम दो चार पाइयां जोड़ देते थे, मेरे घर सोते थे आके, तब से है। अब लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें, क्यों, आपका कुछ भी कदम होता है तो राजनीतिक सुर्खियां बटोर लेता है। नहीं नहीं ऐसा है कि जो लोग राजनीतिक चर्चाएं निकालते हैं वो उसका मतलब कि हमारा कोई सामाजिक वो दायित्व नहीं है, हमारी कोई सामाजिक पहचान नहीं है, हम लोगों से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, क्यों भाई, कौन सी किताब में लिखा है और किसको इतराज है, आए मेरे सामने बताया मेरे को, मैं दूंगा जवाब उसको। जब बीजेपी के दो या चार विधायक हुआ करते थे उस वक्त से आपका पुराना साथ है, पुराने मित्रता है। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैं तो तब अभी बैंक में नौकरी करता था लेकिन पार्टी का काम भी करता था, तो सालों से था और अम्बाला बहुत आते थे और मेरे साथ तभी से अच्छी दोस्त। चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए, कांग्रेस में ना खुदा मिला ना विसाले सनम। नहीं, अब वो क्या सोच के कांग्रेस में गए इस पर तो मुझको टिप्पणी नहीं करनी है, पर मैं एक चीज मानता हूँ कि जो आदमी हमारे पास आ गया ना, हमें हर हालत पर उसको अपने साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब क्या है, क्योंकि ये बड़े लोगों की बातें हैं, मुझे बड़े लोगों की क्या बातें हैं, क्या था क्या नहीं था, क्यों छोड़ के गए, क्या कोई एफर्ट हुआ या नहीं हुआ, मुझे नहीं इसकी जानकारी है, पर मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से कांग्रेस की टिकटें अब डिक्लेयर हो चुकी हैं, कांग्रेस की टिकटों और बीजेपी के कैंडिडेट सब सार्वजनिक हैं, आपको क्या लगता है किस प्रकार से राजनीतिक माहौल रहने वाला है? नहीं नहीं, रहने वाला क्या, वो तो नजर आ रहा, ये तो खड़े मत देखो इनको, इनको पड़े देखना 4 तारीख के बाद, वे तो चार पाइयों में पड़े हुए होंगे 4 तारीख के बाद, ऐसा हाल होने वाला है। मोदी की सुनामी चल रही है और हर आदमी को, हर व्यक्ति को वो असर कर रही है। आप कभी भी पॉलिटिकल आदमी क्या बोलते हैं उसको मत मानना, मैं क्या बोलता हूं मेरी बात भी मत मानना, आम आदमी क्या कह रहा है
आम आदमी, उसकी बात सुनो, चाय वाले की सुनो, रेड़ी वाले की सुनो, रिक्शा वाले की सुनो, परचून वाले की सुनो, हलवाई की सुनो, अंडाई की सुनो, फिर आपको पता लगेगा कि हवा किधर की चल रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में अंबाला कैंट में भी कोई बड़ी रैली हो सकती है, अमित शाह जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाने की तैयारियां सुनाई की जा रही हैं। देखिए ऐसा है कि अभी तो 1 तारीख को हमने रैली रखी है, हमारे मुख्यमंत्री जो नए नए बने हैं नायब सैनी जी वो आ रहे हैं उस दिन और अच्छी रैली कर रहे हैं। बाकी बड़ी रैलियां तो केंद्र तय करता, वो जहां करेगा, अगर अम्बाला में करेगा तो ठीक है करें। जेजेपी का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? देखिए ये जो धीरे धीरे ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये लोगों के मन से उतरती जा रही है और अब देश लंबी उड़ान भरना चाहता है। लंबी उड़ान भरने के लिए राष्ट्रीय पार्टियां और नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए, इसलिए ये बातें अब लोग समझ चुके। निशान सिंह जेजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और कई लोगों के कांग्रेस ज्वाइन करने की, हुड्डा जी का नेतृत्व स्वीकार करने की होड़ सी लगी हुई है। देखिए जब मौसम बदलता है तो लोग इधर से उधर हुआ ही करते हैं, पहले भी होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोकसभा की हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी को कितनी? एक बार करवा लो, 100 बार करवा लो, 1000 बार करवा लो, 10 में से 10 आएंगे। और विधानसभा करनाल? करनाल भी जीतेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं अनिल विज, पूर्व गृह स्वास्थ्य व निकाय मंत्री रहे हैं। इनका कहना है कि जब मौसम बदलता है तो लोग पाले बदलते हैं, राजनीतिक माहौल है तो निसंदेह ऐसी गतिविधियां चलती रहती हैं। बीजेपी हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जीतेगी तथा करनाल उपचुनाव विधानसभा के भी जीतेगी, ऐसा दावा अनिल विज का है। आने वाले दिनों में राजनीतिक सरगर्मियां हरियाणा में और बढ़ती नजर आ रही हैं। अनिल विज ने रामबिलास शर्मा और ओपी धनखट से अपने पुराने जो दोस्तान है उसका जिक्र भी किया और जो इन्होंने सोशल मीडिया पर आज डाला है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।